एक दूजे के वास्ते। मूड को क्या हुआ है? सुनिए, आप समझाते क्यों नहीं सुमन दीदी को? हमेशा ही ऐसे गुस्से में। और सरन भाई को कौन समझाएगा? देखा है हमने कैसी बात करते हैं। बड़े लोगों की बातें हमें नहीं पता है जी, बस लगता है कि श्रवण भैया अभी तक सुमन दीदी से बहुत प्यार करते हैं। और एक आपकी दीदी हैं, उन्हें तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ता जी। फर्क नहीं पड़ता? जिंदगी में क्या क्या गुजरा है उनके साथ, कोई देखा, किसी ने देखा, किसी ने बताया है? और तुम बात करती हो भैया प्यार करते हैं, अपने पापा के साथ तो निकल लिए और यहाँ रो हमारी दीदी रही थी, फालतू बात करती हो। हम तो फालतू ही बात बोलते हैं जी। ये अपनी दीदी को ही खिलाइएगा, हमें नहीं करनी आपसे। अरे सुनो तो, हम ऐसे ही बोल बात तो क्या है यार? अभी तक श्रवण भैया क्यों नहीं आए? क्या श्रवण ने कल मेरे और विक्रम के बीच में जो हुआ वो देखा होगा? मैं जल्दी से उन्हें बुलाकर ला। वीर, तू ठंडा हो रहा है, पहले दूध पी लो। मैं जाकर देखती हूँ। कहिए। अच्छा ये वो क्या है ना, सोफी मेरे कमरे में आई थी तो उसे कमरा थोड़ा डल सा लगा, मतलब पुराना टाइप, तो उसने पेंटिंग लगा के कमरे की ब्राइटनेस बढ़ा दी। अच्छा है ना? इससे कमरे की ब्राइटनेस नहीं बढ़ी बल्कि दीवार खराब हो गई। और क्या है ये सब, इतनी ब्राइटनेस में तुम इस कमरे की गंदगी दिखाई नहीं रही? मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। ठीक है फिर, तो आपने मुझे जैसा अपना कमरा दिया था मैं बिल्कुल वैसा ही वापस देकर जाऊं, अपना एक एक निशान मिटा दूंगा यहां से। जैसे कि ये सब, ये निशान, ये निशान, ये सब, तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी, तुम्हें ना ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई रहता ही नहीं था। परफेक्ट। वीर नाश्ते के लिए तुम्हारा वेट कर रहा है। हाँ मैं आता हूँ। श्रवण, कल रात को तुम क्या देख रहे थे? क्या, अच्छे से बताओ ना। ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। कल रात को जब विक्रम और मैं प्राइवेट बात कर रहे थे तो क्या सुना तुमने? मुझे तो लगा था कि तुम्हें टॉपिक अवॉइड करना चाहोगी। वो एक्चुअली क्या है ना कि अगर मैं होता ना तो अवॉइड ही करता, पर अगर तुमने पूछ ही लिया है तो सच कहूं एकदम बोरिंग, बिल्कुल मजा नहीं। क्या वो है, मैं एक्चुअली देख रहा था कि, खैर छोड़ो, जब मैं देख रहा था तो मुझे मतलब ऐसे ख्याल आया कि मतलब मान लो कि हमारे बीच में जो भी था, अगर हम वो रिश्ता कभी आगे लेकर बढ़ते तो कैसा होता? फिर मैंने कल रात को डेमो देखा, मतलब वो देख के मुझे पता कैसा लगा कि मतलब अच्छा हुआ हम लोगों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ा, मैं बच गया। इतना बोरिंग तुम्हें पता, मतलब मैं तो भगवान को थैंक्स बोल रहा था कि मतलब थैंक गॉड विक्रम था, मैं नहीं। मैं भी कंफर्टेबल फील नहीं करूंगा ना यार। अम्मी, अंदर से घर नहीं देखना, चलना। वहां पे बैठ के मैं पढ़ाई करती थी और भैया याद है वहाँ पे आपने ना मुझे पीछे से धक्का दे दिया था और ताऊ जी आ गए थे। जो मेरी क्लास लगाई थी ना, वो आज तक याद है मुझे।
इस घर से हमारी कितनी सारी यादें जुड़ी है ना, और घर की खुशबू भी वही है। हाँ। Oh, hey, you here? Hi. Meet Sophie Matthews, दुल्हन की फ्रेंड, इस घर में होने वाली शादी की वेडिंग प्लानर, और मेरी एक बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड भी। Hey, you don't get confused, okay? ये तीनों मैं ही हूँ, like 3-in-1. आपकी क्लोज फ्रेंड भी आपकी तरह बहुत बुरा जोक। सोफी, ये अनोइंग लड़की है मेरी। तुम्हारी सिस्टर अवनी, आई नो। तुम्हारे पिक्चर्स मैंने देखे हैं श्रवण के रूम में। सो ग्लैड टू सी यू। या हाय। ओ नो फॉर्मेलिटीज विथ मी, ओके? भैया से आपके बारे में बहुत सुना है मैंने। आई एम श्योर तारीफ ही करते होंगे, राइट? एनीवे, तुम बैठो, मैं तुम्हारी बैग रख के आती हूँ। तो तुझे ना यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आराम से रह, मजे कर, पर अगर कुछ हो ना तो मुझे बता देना। वैसे अभी तक आपने बताया नहीं आप कहाँ रुके हो। हेलो। हे सुमन। हाय, कैसी हो? आई एम ग्रेट, या तुम कैसी हो? लिसन, शाम को घर में संगीत है एंड यू हैव टू कम, ओके? आई एम सॉरी सोफी, पर मैं नहीं आ पाऊंगी। नहीं आने का एक्सक्यूज तो मुझे सुनना ही नहीं है यार। इट्स गोना बी फन मैन, वहाँ विक्रम ने भी मना कर दिया। लाइक तुम दोनों ना हमेशा बस काम काम। यू गाइस हैव नो टाइम फॉर फन, एकदम बोरिंग टाइप्स। कल रात को डेमो देखा, मतलब वो देख के मुझे पता कैसा लगा कि मतलब अच्छा हुआ हम लोगों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ा, मैं बच गया। इतना बोरिंग तुम्हें पता, मतलब मैं तो भगवान को थैंक्स बोल रहा था कि मतलब थैंक गॉड विक्रम था, मैं नहीं। सोफी, मैं संगीत के लिए आ जाऊंगी, पर प्लीज आज के बाद मुझे कभी बोरिंग मत कहना, ओके? ओ लुक सुमन, आई एम रियली सॉरी, आई मीन आई डिडंट मीन इट, बट अगर मेरे मजाक से तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी अगेन। इट्स ओके, शाम को मिलते हैं, सी यू। ओके, कूल। भोपाल में तुझे ज्यादा दिन रुकना नहीं था, पर तुझे पता ही है मेरे कंधे में चोट लगी तो रुकना पड़ गया, और वो कैंट में क्वार्टर्स खाली नहीं थे ना, तो अभी कहीं यहाँ से पीजी रह रहा हूँ बस। पीजी कहाँ, यहाँ से दूर है क्या? नहीं, वो बगल में है, तिवारी हाउस। व्हाट, आप तिवारी के घर पीजी में हो? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।